फ्रेंड्स, मैं हूँ पूर्णिमा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज हम बनाने वाले हैं आम पन्ना। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, भुना हुआ जीरा, पुदीना पत्ता, काला नमक, उबला हुआ आम जिसे मैंने प्रेशर कुकर में 4 से 5 सीटी लगा लिया है, और इसको जो पानी था वो ये, इसको उबालने में जो पानी निकला है वो है ये, और काली मिर्च पाउडर। अब इसको सबको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। आम को जो उबाले उबला हुआ आम था उसको छिलका को हम निकाल लिए हैं ऐसे, जिसमें थोड़ा सा इसको 2 गिलास बनाना है आम को पन्ना को, तो उसमें थोड़ा पानी डाल के इसके जो वो है उसको निकाल लेंगे। ऐसे इसको निकाल लेना है। इसको ऐसे निकाल लेना है। निकालने के बाद मैं दिखाती हूँ आप। फ्रेंड्स, मैंने आम के जो छिलके से उसको पल को निकाल दिए हैं। अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर पीसते हैं। तो देखिए, इस जार में हम डाल देंगे जो पानी तो निकला था उसको, उसके बाद इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा को, और इसमें डालेंगे काला नमक स्वाद अनुसार, और इसमें डाल देंगे पुदीना पत्ता को, पुदीना पत्ता डाल देंगे, और इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर को, और इसमें डालेंगे चीनी को। आप इसमें अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में 2 से 3 मिनट तक चला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आम पन्ना को हमने पीस लिया है, और इसमें जो बचा हुआ पानी था उसको हम लोग डाल देंगे इसी में। तो ये देखिए, हमने बचा हुआ पानी को भी इसमें डाल दिया है। अब इसको निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको निकाल लेते हैं ग्लास में। हम पुदीना पत्ते से डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी आम पन्ना बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और आप भी ऐसे बना के देखना और बताना कमेंट कर कैसे लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।